देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में राजनीतिक दलों की तैयारियां तो जाहिर सी बात है अपने स्तर से तेज हो गई हैं। लेकिन झारखंड चुनाव पर बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त भी सख्त नजर आ रहा है और लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। इसी बीच झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बैठक की है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसी ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस एस संधू के साथ एक बैठक की है। प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई है। लगभग 20 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ ये बैठक की बात कही जा रही। वहीं चुनाव आयोग की टीम 5 बैठकों में हिस्सा ले रही है और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक भी होगी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव कहा जा रहा है कि एक साथ हो सकते हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो सभी राजनीतिक दलों ने अपने स्तर की तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें आपको कि राजनीतिक दलों की तैयारियां तो अपने स्तर से शुरू हुई हैं, लेकिन चुनाव आयोग भी लगातार बैठक कर रहा है क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकता है, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और ऐसे में किस तरीके से चुनाव कराया जाए, क्या कुछ तैयारियों की जरूरत है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जरूरत है और इसी की समीक्षा बैठक चुनाव आयोग ने की है। और झारखंड चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बैठक की है जहाँ पे और ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक होगी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव एक साथ कराए जाने की भी बात कही जा रही है। क्योंकि इस बार अगर अक्टूबर माह की अगर हम बात कर ले तो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है झारखंड विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है, बिगुल बच सकता है और इसी को लेकर चुनाव आयोग लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। किस तरीके से सुचारू ढंग से चुनाव कराया जाए, लोगों तक कैसे जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि सबसे अहम ज्यादा यहाँ पे होता है मतदाताओं को इसके बारे में जानकारी होना कि क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ वो कैसे वोट कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। आखिर मतदान क्यों जरूरी है, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है और झारखंड में किस तरीके से चुनाव हो, इसी को लेकर चुनाव आयोग लगातार बैठकों का दौर चुनाव आयोग का जारी है। और इसी बीच झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बैठक की है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसी ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस एस संधू के साथ बैठक की। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। कुंदन देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इसी बीच हम देख पा रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी है लेकिन चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग भी लगातार बैठक कर रही है किस तरीके से चुनाव कराया जाए और इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने बैठक की है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वो पहुंचे हैं, उनके अलावा जो है दो और अन्य जो डेप्यूटी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी पहुंचे हैं उनके साथ में और निश्चित तौर पे आते ही बैठकों का जो दौर है प्रारंभ हो गया है। आज रांची स्थित जो रेडिसन ब्लू होटल है वहां पे जो बैठक है वो राजनीतिक दलों के साथ हुई है। सभी राजनीतिक दलों के जो डेलीगेट थे इस बैठक में शामिल हुए और अपनी ओर से जो है अपनी अपनी इच्छा जो है वो जाहिर किए। हालांकि चुनाव आयुक्त जो है 1-to-1 जो पॉलिटिकल दल के जो डेलीगेट थे उनसे मिले हैं और उनके अनुसार जो है मंतव्य लिया है और मंतव्य लेकर निर्णय लेंगे। हालांकि इससे पहले मैं बता दूं कि पहुंचने के बाद जो है पहले से जो शेड्यूल लगी थी उसमें पहले पॉलिटिकल जो पार्टियां थे उससे मुलाकात थी, उसके बाद जो है जो तमाम जो आला ऑफिसर हैं उनसे मुलाकात होनी थी और वो भी बैठक अभी चल रही है और उसके बाद गृह सचिव और डीजीपी और होम सेक्रेटरी का भी जो है बैठक इस समय संध्या के समय जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ होना है और इसको लेकर जो है हर तरीके की जो है चाहे हम प्रशासनिक गतिविधि कहें या फिर सरकार स्तर के जो भी चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की जो कह सकते हैं कि एक कॉपी जो है चुनाव आयुक्त को सौंपी जाएगी और उसके बाद जो है मंथन किया जाएगा। हालांकि अगले दिन मतलब कल की अगर हम बात करें तो जितने भी जिले के डीसी और एसपी हैं, जितने भी आला अधिकारी जो पोस्टेड हैं उनको जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है उनकी तैयारियां जो है उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो एक प्रोसीजर है और निश्चित तौर पे इसके बाद ही एमसीसी लागू होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिस दिन से फिर आदर्श आचार संहिता एक्टिव होगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है। हालांकि विभिन्न जो राजनीतिक दल है अपने अपने ओर से जो है मांगे रखी है और निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि जो सरकार में जो अभी सत्तासीन जो पार्टी है जेएमएम, उसका कहना है कि जो पूर्ण अवधि है सरकार की
वो दिसंबर में पूरा होगी और उसी समय जो है चुनाव कराया जाए, जिससे कि जो राज्य की जो वर्तमान सरकार है वो अपनी जो कार्य अवधि वो पूर्ण कर सके। वहीं अगर हम बात करें तो भाजपा भी जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं हमलावर है और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो है चुनाव आयोग से मांग कर रही है। अंकिता जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के देखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बता दें आपको कि झारखंड चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने बैठक की है और चुनाव को लेकर ही कहा जा रहा है कि बैठक जिस तरीके से हमारे सहयोगी कुंदन ने भी पूरी जानकारी दी है और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की गई है और 20 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक बैठक हुई है और 5 बैठकों में और हिस्सा लेने वाली है चुनाव आयोग, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। क्या कुछ आखिर मांगे हैं इसे भी जानने की कोशिश रहेगी चुनाव आयुक्त की।